फैमिली तो आज है नवरात्रा का नौमी का दिन और बाबू यहाँ पे खीर खा चुका है। मैंने उसको खीर खिला दिया है, मतलब भर पेट इसने खीर खाया है और ये अभी नहा चुका है, नहा के खा रहा है और ये पूरी खा रहा है। आप देख सकते हैं पूरी अपने आप ही खा रहा है ये। छू तो ये पूरी खा रहा है मेरा बच्चा। नहला धोवा के नया कपड़ा पहन के मैं उसको ले कहीं नहीं गई, उसके घर पे, हमारे घर पे भी हुआ है, नए वाले घर पे। बट जब ये सो गया, सुबह से ये सो चुका था, अभी उठा था तो गोलू इसके लिए पहुंचा के गए हैं खाना और इसका जो भी सामान होता है वो सब पहुंचा के गए हैं। तो एकदम सही टाइम पे ही लेके आए थे गोलू खाना, इसको भूख भी लगा हुआ था तो ये खा रहा है पूरी खीर भी इसने खाया छोटी सी कटोरी में, एक कटोरी बिल्कुल छोटी वाली कटोरी में खीर भी खा चुका है, ये पूरी भी खा रहा है, मतलब ये अपना खाना खा चुका है। और ये सब्ज़ी नहीं खा पाता है अभी क्योंकि ये भी बहुत सा छोटा सा है ना, इसलिए सब्ज़ी नहीं खाता है, तीता लगता है इसको। तो खाना इसका आया हुआ था इसकी मंझली मम्मी की तरफ से, मतलब मंझली मम्मी के यहाँ से। तो मैं आपको दिखा देती हूँ क्या क्या आया हुआ है इसके लिए। तो यहाँ पर आया हुआ था खीर इसमें एक कटोरी, तो इतना बाबू ने खा लिया है, मैंने बाबू को तुरंत ही खिला दिया आते के साथ। और सब्ज़ी था, ये रहा सब्ज़ी हमारा, ये प्रसाद है, आप लोगों को पता ही होगा जिसके जिसके घर पे आज नवरात्रा हुआ होगा वो लोग बनाए होंगे। ये सब प्रसाद है, ये मैं खुद के लिए थोड़ा सा निकाल रही हूँ। और ये पूड़ी आया हुआ था बाबू के लिए, तो ये सब है। और यहाँ पे बाबू का सामान है, आप देख सकते हैं इसमें एक पेंसिल है बाबू के लिए और केला है और 20 रुपये पैसा है और ये प्लेट है। इसको ये प्लेट बहुत पसंद आया, प्लेट से बार बार खेल रहा था, बट मैंने इसको हटा दिया अभी क्योंकि तोड़ देगा, प्लास्टिक का है इसलिए। और यहाँ पे ये घूम घूम के पूड़ी खा रहा है, इसको बहुत मज़ा आ रहा है। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, देखते हैं शाम को आज के दिन पे क्या क्या होता है। और मैं भी वहाँ नए घर पे नहीं जा पाई क्योंकि सुबह से बाबू सोया होता था, इसको छोड़ के मैं कैसे चले जाती, वरना मैं भी थोड़ा बहुत पूजा प्रसाद कर ली थी, मतलब माता रानी को पैर वैर लग ली थी। प्रसाद खा रहे मेरे बेटा जी, तुम प्रसाद खा रहे हो, 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 प्रसाद खा रहे हो। बाबू को मैं खीर दे चुकी हूँ, खा लिया है बाबू और अभी ये प्रसाद खा रहा है और मस्ती कर रहा है, हाथ में इसकी पूरी है और ये इसकी थाली, प्रसाद की थाली। और देखिए ये इसको मिला है आज, इसके गोलू भाई देखे गया है यहाँ पे इसके लिए घर पे, ये नहीं गया था सुबह से ना इसलिए तो हंस रहा है। इसके गोलू भाई देखे गए हैं इसके लिए खाना पीना। तो ये खीर रहा, बाबू ने खा लिया है और ये उसका 20 रुपये पैसा है, ये नारियल वगैरह ये है सब कुछ, मतलब यहाँ पर पूरी और सब कुछ रखा हुआ है और यहाँ पर ये खा रहा है और ये पूरी खा चुका है बस अभी, है ना बाबू, तू खा चुका है ना खीर अभी, है ना खा चुका है ना तू अभी खीर, है बाबू खा चुका है ना, बाबू तो खीर खा चुका है ना। तो ये रहा हमारा छोला पूरी आज का माता रानी का प्रसाद, आप लोग भी देख सकते हैं। और मैं अभी बाबू खा चुका है ना तो मैं कान्हा के लिए लेके आई हूँ, कान्हा भी खा लेंगे तो मैं कान्हा को दे दूँगी खाना। यहाँ पे हमारा कान्हा भी नया कपड़ा पहन के तैयार होके मस्त बैठे हुए हैं, तो मैं इनको बेड पर नहीं यहाँ पर खाना खिलाती हूँ, तो यहाँ पर ले आएँगे कान्हा को और मैं कान्हा को खाना दे दे रही हूँ, खाना खा लेंगे। तो आप सबकी कैसी रही नवरात्रा और आप सबके छोले पूरी खाए या नहीं, किस किसने खाए, किस किसने नहीं खाया, सब लोग कमेंट्स करेंगे। अभी मेरा खाना खा रहा है और मैं जा रही हूँ, मेरे को बहुत सारे काम हैं इसलिए। हे गाइस, तो यहाँ मेरा खाना, मेरा लड्डू खा रहा है छोले पूरी, बाबू खा चुका है, कान्हा जी खा रहे हैं अभी। आप लोगों ने किस किस ने कान्हा खाया छोला पूरी, प्रसाद की खुशी इतनी है कि देख के पता नहीं क्या क्या आवाज़ निकल रहा है। और मैं भी जा रही हूँ खाने, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ खाने के लिए। तो अभी मैं कान्हा खा रही हूँ, मेरा बाबू खा चुका है और मैं जा रही हूँ। तो जय माता दी, जल्दी से फिर से नवरात्रा आया, मैया रानी कभी ना जाए, नवरात्रा आया है ना तो आज
इस हलवा पूरी खाने से ज़्यादा खुशी दुख हो रहा है कि कल से माता रानी नहीं चली जाएंगी परसों से। चलो बांध लो, चलो देख रहा है दिखाइए जूता, रुक जाए रोने लगेगा। नौ दिन खूब मस्ती किया है तू, अब चार चार घंटा मंदिर में। हे गाइस, तो आज की ब्लॉगिंग आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी आई होप, और मैंने वीडियो ज़्यादा बड़ी भी नहीं रखी है, तो आप लोग प्लीज़ पूरा वॉच करिएगा। और यहाँ पे बाबू बंधवा रहा है मौली धागा पंडित जी से। हम लोग गए थे माता रानी की पूजा आरती के लिए, तो वहाँ से जब आरती हो गई थी और हम लोग निकलने लगे थे, तो हमारे घर पर नवमी के दिन पर आई हुई है गाड़ी, मतलब ख़रीदा गया है, तो वहीं पर पूजा होने के लिए गया हुआ था, तो हम लोग भी वहाँ पर थे, तो बाबू भी आ गया। और बाबू को ना इतना ज़्यादा शौक़ है गाड़ी चलाने का, गाड़ी पर बैठने का, गाड़ी पर घूमने का, कि मत पूछो मत, बस माता रानी उसको इतना सद्बुद्धि दे, इतना मतलब ज्ञान दे, बुद्धि दे, कि वो अपने सारे शौक़ पूरा करता रहे। और यहाँ पे बाबू आ चुका था, बैठ गया था, सबसे पहले उसने चाबी ली और सबसे पहले बैठ गया वो जाके फ्रंट वाले सीट पे, और खूब चलाने की कोशिश कर रहा था, खूब मस्ती कर रहा था काफ़ी देर तक। इसके बाद हुई पूजा पाठ, इसके बाद आया प्रसाद, सब हम लोगों ने खाया सारा लड्डू वड्डू। इसके बाद गाड़ी में बैठ के और हम लोग आ गए थे घर। बाबू गाड़ी से उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था, तो वो कभी भी गाड़ी में बैठे ना जल्दी उतरता ही नहीं, बहुत मस्ती करता है। क्या कर रहा है तू, क्या कर रहा है ओ लड़का, क्या कर रहा है बेटू? ओ बेटा जी, बेटा जी, बेटा जी, ए बाबू, बाबू रे, ओए। तो ये है हमारे बाबू का नवरात्रा में जो उसको गिफ्ट्स मिले हैं, वो खाना खाने गया था, तो ये उसका मंजली माँ के यहाँ से मिला हुआ है। इसमें एक पेंसिल भी था, इसमें पेंसिल भी था एक, तो ये थाली, और ये पता नहीं बोतल वाइन से लाया है किसी का भाई का। तो ये है बाबू को मंजली माँ के यहाँ से मिला हुआ है ये प्लेट्स, और ये मिला इसको बड़ी मम्मी के पास से, मतलब वहाँ पे जो खाना वगैरह हुआ था, मतलब जब कन्या वगैरह खाई थी, तो वहाँ से एक मिला हुआ है बाबू को। ये है ज्योमेट्री बॉक्स, बाबू का तो मतलब स्कूल का सारा हो गया सामान अभी से। तो ये है, और ये है बॉटल छोटू सा, देख सकते हैं आप। टिफिन बॉक्स जो कि एक छोटू से बेबी के लिए, जो कि निम्न स्कूल जा रहे हैं, तो उनके लिए इनफ है खाना डालने के लिए। यहाँ पे भुजिया सब्जी, यहाँ पे रोटी, और पनीर, तो इतना चीज़ मिला हुआ है बाबू को। ये लेके जाएगा स्कूल में और इसमें आके खाएगा घर पे। तो ये हमारे बाबू का फाइनली मिला हुआ है गाइस इस बार।